हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सराउंडिंग इंजीनियर। सो फाइनली आपका जो एग्ज़ाम है उसका कंफर्म डेट आ गया है। एवरीवन मस्ट बी नोइंग दैट इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वन वीक्स व्हाट आर द थिंग्स यू शुड फॉलो, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। सो इन द अपकमिंग वन वीक्स यू शुड रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। सबसे पहले आपको वैसा सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है। सपोज आज की बात करूँ, सपोज आज सैटरडे है, तो सैटरडे एंड संडे आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी कहने का मतलब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, उसको आप थॉरली रिवाइज कर जाइए। दैट विल नॉट टेक मच टाइम। सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चरल, RCC हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो इसको आपको पहले रिविज़न करना है। इसके बाद वीक का लास्ट बचे 3 दिन में आपको वैसे सब्जेक्ट्स रिवीजन करना है या उनके क्वेश्चंस बनाना है जो कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा डेटा हो, लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, RCC हो गया फिर, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, सर्वेइंग हो गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, तो सो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपको लास्ट में रिविजन करना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले। और जनरल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो जनरल इंजीनियरिंग में आपको वही सारे टॉपिक्स पढ़ना है जो आपने पहले से पढ़ रखा है या फिर आप लेक्चर से पढ़े हैं या फिर आप नोट्स बनाए हैं, तो वो उस नोट्स को आप रिवीजन करिए, ठीक है। सपोज आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है जनरल इंजीनियरिंग पे, दैट इज़ वेरी रेयर थिंग। सभी ने कुछ ना कुछ पढ़े होंगे जनरल इंजीनियरिंग से, ठीक है, लाइक मैकेनिकल तो पढ़े ही होंगे, लाइक थर्मोडाइनमिक्स हो गया एंड जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, सिविल सेल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक एनालिसिस, हाइड्रोलिक मशीन्स या मशीन फ्लूड भी जिसको बोलते हैं, फ्लूड मशीनरी, वो तो कॉमन सब्जेक्ट है, एवरी सिविल इंजीनियर मस्ट बी नोइंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है वो नहीं पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले जिसमें आप मैंने नोट्स भी शेयर करा था, और यदि आप वो नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं, दैट विल हार्डली टेक 2 or 3 hours, तो वो आप रिवाइज कर सकते हैं। दैट PDF यू कैन फाइंड फ्रॉम द माई टेलीग्राम चैनल। जस्ट यू नीड टू गो टू द टेलीग्राम एंड सर्च अस्टाउंडिंग इंजीनियर, यू विल फाइंड दैट PDF, ओके। उसके बाद बात करें कि जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल रीजनिंग। तो जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल रीजनिंग में आपको रीजनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी रिवाइज करेंगे तो अच्छा क्वेश्चंस आप रीजनिंग का बना सकते हैं, बट एप्टीट्यूड यानी मैथ्स जिसको बोलते हैं वो आपको देखना चाहिए। टॉपिक्स लाइक स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम इन वर्क हो गया, एवरेज हो गया, एलिगेशंस हो गया, मिक्सर हो गया या फिर पार्टनरशिप हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स हैं ना, इसको आपको देखना चाहिए। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर एक टॉपिक्स में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, वो बस हर एक टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू गो टू यूट्यूब एंड सर्च द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और टॉपिक्स जो टॉपिक्स मैंने बोला, सपोज स्पीड एंड डिस्टेंस या फिर टाइम इन वर्क, पाइप एंड सिस्टम, तो उसको आपको सर्च करना है, वहाँ से हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको एक सॉल्व कर लेना, ठीक है। दिस विल हार्डली टेक 1 day, ठीक है, 1 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। ऐसा गलती मत करना कि बिना देखे चले जाना, एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग पता होना चाहिए कि इस टाइप का एप्टीट्यूड कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करना देखो बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि टाइम लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में आपको सभी सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस उतना नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो द हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग सॉल्वड, क्वेश्चंस आपका कैसे सॉल्व करना है एप्टीट्यूड से, ठीक है, वो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में जो न्यू अपॉइंटमेंट है वो आप देख सकते हो, उससे क्वेश्चंस रहेगा ही, जो इंडिया करंट अफेयर है, वर्ल्ड वाइड अपॉइंटमेंट है उससे रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको देख लेना है, नोबल प्राइज देख लेना है, ठीक है। नोबल प्राइज आपको याद करने में डिफ़िकल्ट होगा तो आप अपने से ट्रिक बना सकते हैं या फिर क्रेजी जी के ट्रिक जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे उसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर आता है उससे आप याद कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल।
उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट सबमिट्स हैं वो देख लेना है, ठीक है। कमिंग टू द झारखंड करंट अफेयर पार्ट, तो झारखंड करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको सीएम्स देख लेना है, गवर्नर देख लेना है, ये सीजीआई देख लेना है, सबका कार्यकाल देख लेना, किस कार्यकाल में कौन कितने बार बना है ये देख लेना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग झारखंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि आप नहीं पढ़े हैं तो जो पतला सा बुक आता है लूसेंट का वो ले सकते हैं, या फिर भी 20 या 25 रुपये का आता है स्पर्धा तो वो ले सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद आप 26 जनवरी में बहुत सारे लोग को सम्मानित किया गया था झारखंड में, तो वो चीज़ आप करंट अफेयर से देख सकते हैं, झारखंड करंट अफेयर जो भी बुक आप खरीदे होंगे वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आते हैं जीके पार्ट में आपको बहुत टाइम नहीं देना है, यदि आप पहले से एक बार थॉरली पढ़ रखे हैं तो आपका क्वेश्चंस बन जाएगा इंडिया जीके से, ठीक है। झारखंड जीके में बात करें तो यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम ज्योग्राफी तो वो देख सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हालांकि इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और जो भी हिस्ट्री है झारखंड का उससे भी क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रहना चाहिए, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि पिछले बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फ्रॉम द 20 क्वेश्चंस आपको ये पता होना चाहिए कि 20 क्वेश्चंस में 10 से 12 क्वेश्चंस आपका रहेगा करंट अफेयर से, इंडिया करंट अफेयर एंड झारखंड करंट अफेयर। उसके बाद आपका आप 6 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द जीके पार्ट, ओके। सो 6 से 8 क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं उस टॉपिक पे, वो टाइम्स आपको इन्वेस्ट करना है सिविल इंजीनियरिंग पे एंड जनरल इंजीनियरिंग पे। सो गाइज, आपका जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। और जो रूमर्स फैल रहा है उस रूमर्स पे आपको ध्यान नहीं देना, लाइक सीट बिक रहा है, या फिर बहुत से लड़का मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर सारा सीट बिक रहा है, तो उधर ध्यान नहीं देना। यदि आप जेन्युइनली मेहनत किए हैं तो आपको अपने मेहनत पे भरोसा करना है, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ओके। इवन इफ़ आपको यू शुड ओनली फोकस ऑन कितने सीट से आप, बहुत ज़्यादा सीट हैं और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में कभी मत रखिए कि 60,000 फॉर्म गिरा है या 1,00,000 फॉर्म गिरा है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिर्फ देखने को होता है, ठीक है। बाकी जो टॉप कैंडिडेट होते हैं वो समथिंग लाइक 500 से 1,000 ही होते हैं, ठीक है। जो टफ़ कंपटीशन होगा तो टॉप आपका 5,000 पे ही होगा, ठीक है, पढ़ने वाला 5,000 से ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा यदि आप दिल से मेहनत किए होंगे तो। सो वेरी गुड विशेस फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपका एग्ज़ाम पहले शिफ्ट में पड़ता है या पहले दिनों में पड़ता है तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट ऑन द यूट्यूब एंड इवेंचुअली दिस विल हेल्प अदर स्टूडेंट्स। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।